मुकेश नाथ, ये चेहरा आपने और नागिन की तरह ये अपनी जो गर्दन लहराते हैं या इनका जब आप कमर लहराते वक्त देखते हैं, ये बड़ा पूरा हिंदुस्तान में वायरल हो रखा है। हरियाणवी गाने जितने भी भोले बाबा के चल रहे थे अभी, उन पे इनके पूरे जो वीडियो हैं बड़े वायरल हुए हैं। नाथ जी कैसा फील कर रहे हो पहले तो? जैसे जी अपने आप पर के नाथ जी कोई भी प्रोग्राम में बुलाओ, अपनी बीन बजाते हैं नाथ जी, बीन बजा के अपना गाना बजाना दिखाते हैं, अगले ने मेहनत करके काम करके दिखाते हैं तो अगला फिर भी नू कहता भाई नाथ जी ने फिर बुलाओ बाबा मुकेश। इतने फेमस हो गए, कैसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो? बाबा का भंडारा में गए थे भाई, वहाँ तो फिनिश कर रहा था बाबा ने। अच्छा जी, आप पर बहुत बढ़िया। तब वो वीडियो के लिए डांस कर रहे हो या पता नहीं था, वैसे ही बन रही थी वीडियो? वैसे जी हमने जब बेरा फाटा जब थारे पर गए, सारे भाई देखने लग गए, हमारे फोन में भी आ गई पापा ने घेरी हुई। अच्छा, इस वीडियो वायरल होने के बाद आपके काम में कितना फर्क आया है, कितनी बुकिंग होने लगी आपके? जी बहुत बढ़िया होया, हमारा भी नाथ जी का काम चल रहा है। अच्छा। हाँ जी, बुकिंग भी आती है, आप पर के घरने भी आते हैं, समाचार लेने भी आते हैं, नू कहते भाई नाथ जी गाना बजाना सुनने भी आते हैं। हाँ। नू कहते भाई नाथ जी मुकेश नाथ इतना प्रसिद्ध होया तो अपना गाना बजाना दिखाओ, फिर उनने कहा बजा के अपनी बीन बजा के दिखाते हैं नाथ जी खूब बजे। कितने साल से बीन बजा रहे हैं? बीन बजाने का काम तो जी हमारा खानदान नहीं, हम सपेरे जाति से, हम नाथ जी हैं, हमारा नाथ जी का खानदानी काम अपना बीन बजाना, ये आज से नहीं, हम किसी की सिक्की विद्या नहीं, हमारा तो बाप दादा यही काम करता है नाथ जी बीन। अब जी अपना प्रोग्राम नू है, प्रोग्राम हम बीन बजाते हैं, ब्याह शादी कोई भी फंक्शन हो खुशी का वहाँ बजाते हैं नाथ जी, वहाँ जाकर अपने बजाते हैं, अपने खूब प्रोग्राम करते हैं, अपना मन धनता अगला ने काम करके दिखाते हैं खुशी से, फिर भी दोबारा का अगला नू याद करा भाई नाथ जी ने काम करे। अच्छा, उन बाबा जी से दोबारा मिलके आए जिन्होंने आपकी वीडियो वायरल? खूब मिलकर आए बाबा जी से, दोबारा के भी मिलकर आए खूब, दो दो तीन तीन बार मिले आए साहब महाराज जी मेरे। बाबा उनके प्रोग्राम होंगे तो फ्री करोगे या उनसे पैसे लेते हो? ना जी ना, बाबा दरा पैसे नहीं लेते हम, बाबा अपनी इच्छा तो चाहे कुछ भी दे दो, हम बाबा दरा पैसे नहीं लेते। कितने लोग आपकी टीम में काम करते हैं? अपनी टीम में जैसे 9 आदमी होते हैं जी, 9 आदमी होते हैं। अच्छा। आज 3 बीन 3 तुम्बे खाक तड़े बजाते हैं और 3 ढोल भंगड़ा। तो मेन आप ही होते हो, आपकी पार्टी है किसी और की पार्टी में? ना ना ना, अपनी पार्टी है बाबा मुकेश नाथ के नाने से जी अपनी। हाँ जी, कितने साल से काम कर रहे हो? ये जी अपने कई साल हो गए, मैंने गाना बजाना करते हैं साहब बहुत सीखा आपने? हम जी अपने खानदानी काम अपने घर से ही सीखे अपने गाना बजाना। पिताजी करते थे? हाँ जी, पिताजी बजाया करता, फिर बड़े भाई बजाने लग गए बीन, फिर उसके बाद में हमारा भी नंबर आ गया, हम भी नाथ जी बीन बजाते। अच्छा, ये सारे लोग बजाते हैं ढोल वगैरह कोई भी बजा लेगा, लेकिन बीन बजाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बीन सारे नहीं बजाते साहब, बीन जैसे 10-5 बालका में कोई एक दो कोई नाथ जी बजा सके बीन, सारे बीन नहीं बजाते। सांस बड़ा लंबा चाहिए, नक्शीरी खींचनी पड़ती है, नक्शीरी खींच के फिर बीन बजाते हैं नाथ जी, बीन बजा फिर नक्शीरी ना आती है तो उसने फिर बीन नहीं आती। ये बीन है ये कहाँ से मिलती है आपको, फैक्ट्री से बनवाते हैं खुद ही तैयार? ना ना ना, ये जी अपने घास फूस का बाजा बोले जाते हैं, खुद बनाते हैं अपने घर में। अच्छा। ये बोई जाती है घिया की तरिया। अच्छा। हाँ जी, ये घिया की नहीं बनती? ना ना, घिया की नहीं बनती, इसके बीज अलग होते हैं। अच्छा। तुम्बे के बीज अलग होते हैं, बीन के बीज अलग होते हैं, और ये जी अपने घर ने ले आ गए, अपना फिर सेट अपना सेट करना पड़ता है, फिर कर कर अपना घास फूस का बाजा होता है, नर्सल के इसमें पत्ते होते हैं वो गेर कर फिर बजाया जाता है। पहले तो सांप वगैरह का खेल भी दिखाया करते, सांप पकड़ लिया करते? हाँ जी, पहले पकड़िया करते बड़े बूढ़े, सांप भी पकड़िया करते, सांप काटे का इलाज भी करया करते, इस आजकल सांप पकड़ने बंद कर दिए, लोग शौक भी कम रह गया लोगों ने आजकल, सांप सब आजकल सांप के सांप का बाप भी घर में बैठा है, देख ले ये फोन मोबाइल इसी चीज चल गई साहब, सारी चीज देख ले अब तो साहब, अपना नू है अपना बीन बजाते अपना। आपने भी कभी सांप का खेल दिखाया है या आपने नहीं पकड़े? आपको डर लगता है सांप से? नहीं लगता ना, डर डर कौन लगते ना जी, गाना बजाने का काम ही करते हैं हम तो ना जी। हाँ जी, हम ये फिल्मों में दिखाते हैं नागिन नाचती है बीन बजती है, वो हकीकत है झूठ है? ये झूठ है साहब, बीन पर सांप बहुत से आदमी नुका देते हैं ना, बीन पर सांप आ जाता है वो आ जाता है वो, ये सब झूठ है, हमारा खानदानी काम है नाथ जी, ये बीन बजाना नाथ जी होगा हमारा, आज से नहीं हमारा दादा पड़दादे से काम है नाथ जी, ये जैसे अपने बीन बजा ये रोल करते फिल्मा में भाई इसका काट गया यो इलाज कर दिया वो कर दिया वो सब फंड है। कितनी धुने निकाल लेते हैं इसमें फिल्मी गानों की, सब धुने निकाल लेते हैं? हाँ जी, ये अपनी धुन काटते हैं, अपना धुन बजती है वो फिल्मी गाने की, नू कह देते भाई यो नगीना गाना बजाओ, ये गाना बजाओ, वो फिर धुन बजा के अगला सुनाते हैं। कितने घंटे लगातार बजा सकते हैं बीन आप? जैसे साहब 2-4 घंटे तो बाज ही जाती है बीन लगातार, जैसे खुद की बज जाती है। हाँ जी, अपना घंटा आध घंटा बजा के फिर अपने बीड़ी तम्बाकू पी ले, फिर घंटा आध घंटा बजा के फिर बजा दे। बच्चों को भी इसी फील्ड में डाल रहे हो या और काम? ना ना ना, बच्चे तो साहब आजकल पढ़ रहे लिख रहे। हाँ जी, सर्विसमैन भी है बहुत से, भाई लग भी रहे, कोई अपने दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं,
कोई साहब पढ़े लिखे बच्चे है, आजकल रिश्वत देना है नहीं, जैसे आजकल गरीबों को कोई सुनाई नहीं हो रही। आप भर के ना जियोगे ना पढ़ावा लिखा हुआ है, दस दस बारह पढ़े पढ़े भी अपने घर में बैठे साहब। अच्छा, डीजे आने से आप लोगों के काम पे कितना अंतर फर्क पड़ा? जैसे साहब डीजे का शौक और ना, वो डीजे ने बुलाता है, जैसे आप भर के नू याद करते भाई ना जी मैंने बीन बाजा बुलाना, वो बीन बाजा फिर मारा बुलाता है ना जी। हाँ जी, ये बहुत सी फीस वगैरह क्या हर आदमी के हिसाब से होती है या नॉर्मल होती है? जैसे जी अपने जैसे नू है अपने तक हिसाब होता है, आदमी का अलग अलग फीस होती है। सारे आदमी फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए तो आप ज्यादा पैसे बढ़ा दिए होंगे? ना ना ना, पैसे नहीं बढ़ाए, पैसे वही पैसे। हाँ जी, सब भाइयों के लिए। तो इसमें भी अलग अलग कलाकारी है आपकी ड्रेस या फिर और टीम चाहिए तो? अलग अलग कलाकारी, तुम्बा अलग बजाते, ढोल अलग बजाते, बीन अलग बजाते, तीन अलग अलग बजा के दिखाते, अलग अलग कलाकारी दिखाते हैं ना जी, ग्रुप हो जाते हैं सारे आदमियों का। सारे डांस कहाँ से सीखा इतना बेहतरीन डांस? तो जी अपने जैसे आप पर के अपने आजकल पांच भाइयों में हमारा गाना बजाने का काम है, बचपन से आगा अगला नाचा कूदेगा तो हम भी नाच देखेंगे, जैसे ऐसे नाच रहे भाई ऐसे कूद रहे हैं, तो महीने दो महीने में अपने तो पार हो जाता है। कभी सोचा था एक भीड़ वाला एक सपेरा इतना वायरल होगा? नहीं जी नहीं, नहीं सोचा था, नहीं सोचा था। ये प्रोग्राम में ही होया था साहब पवार वाला, ये बाबा का भंडारा में प्रोग्राम कराया था, उस बाबा ने पारवल कराया जी। तो देखिए दोस्तों, ये था सोशल मीडिया का कमाल, और फिलहाल मुकेश नाथ स्टार बन चुका है, लोग इसके इर्द गिर्द खड़े, नहीं तो पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज के दिन सोशल मीडिया कहां तक पहुंचा देती है इंसान को, सोशल मीडिया सेंसेशन। मुकेश नाथ हमारे साथ मौजूद थे, लोग सेल्फियां ले रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये बड़े स्टार बनेंगे, हो सकता है इनका जो म्यूजिक है। एक बात और पूछूंगा मुकेश जी, किसी कलाकार ने आपसे कॉन्टेक्ट किया है कि उनको आपका म्यूजिक चाहिए या फिर कभी फिल्मों में बजाना चाहेंगे? ना फिल्मों में बुलाओगे तो साहब हमने कलाकार की कोई जरूरत नहीं, हमारा तो ग्रुप होता है, जैसे अपनी बीन भी खुद होते हैं, तुम्बा भी अपना खुद का होता है, ढोलक भी अपना खुद बजाते हैं, कोई भी प्रोग्राम में ले जाओ हमने कलाकार, हम तो अपने खुद कलाकार रखते हैं, सारा ग्रुप इकट्ठा रहता है। हाँ जी जी, चलिए चलिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुकेश नाथ के बारे में लिखिए कमेंट में, सोशल मीडिया की ताकत के बारे में लिखिए। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करने, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।